नमस्कार, मैं हूँ कविता। आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी सुर्खियों पर। आध्यात्मिक गुरु भैया जू महाराज ने की खुदकुशी, खुद को मारी गोली, कांग्रेस ने उठाई सीबीआई जांच की मांग। तो वहीं आरएसएस मानहानि केस में बढ़ी राहुल गांधी की मुश्किलें। अदालत ने तय किए आरोप, अब चलेगा केस। अपनी सफाई में बोले राहुल, मैं दोषी नहीं हूँ। तो वहीं आज सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात। दोनों के बीच हुई कई अहम समझौते। ट्रंप ने मुलाकात को बताया ऐतिहासिक, तो वहीं किम जोंग उन ने कहा कि दुनिया आने वाले दिनों में देखेगी बड़ा बदलाव। तो वहीं अफगानिस्तान टेस्ट मैच से बाहर हुए गेंदबाज मोहम्मद शामी यो-यो टेस्ट में हुए फेल। नए गेंदबाज नवदीप सैनी को मिली जगह। एम्स में भर्ती हुए देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर कहा हालत स्थिर, लेकिन नहीं टला खतरा। पीएम मोदी समेत कई दिग्गज नेता मिलने के लिए पहुंचे। तो ये थे दिन भर की बड़ी सुर्खियां। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए NMF News के साथ।